जी, तो इस सिंबल ऑफ चेंज एंड एग्जांपल्स, जो ये डेल्टा जो सिंबल है ये हम चेंज के लिए यूज करते हैं, चाहे वो एक्स के साथ लगा हो तो चेंज इन एक्स, अगर वाई के साथ लगा हो तो चेंज इन वाई। आपको याद होगा जो है हम बेसिक मैथ्स में स्लोप का फॉर्मूला डिस्कस करते थे, जिसमें हम कहते थे कि स्लोप जो है वो हमारे पास क्या है, अगर हाँ आपको याद हो, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर हम स्लोप को डिस्कस कर रहे होते थे। अगर आपको याद हो तो हम स्लोप को, बल्कि मैं एनोटेशन से कर लेता हूँ, डिस्कस कर रहे होते थे, स्लोप बराबर होता था y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है, बल्कि मैं इसे तो ये जो y2 - y1 है इसको हम डेल वाई भी कहते हैं, डेल चेंज इन वाई, और x2 - x1 जो है इसको हम और क्या कहते हैं, चेंज इन एक्स भी कहते हैं, x1, ठीक है, तो डेल वाई इसको कहते हैं और डेल एक्स इसको कहते हैं। डेल रिप्रेजेंट करता है चेंज, तो चेंज का सिंबल है। अब हमें ये देखें, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, x1 3.0 और x2 3.2। अब मैं कह रहा हूँ डेल एक्स निकालें, तो आप क्या करेंगे, x2 - x1 लिख देंगे, डेल एक्स का मतलब है, डेल एक्स का मतलब है क्या, मतलब है डेल एक्स का x2 - x1, तो आप x2 यानी कि 3.2 में से माइनस कर देंगे 3.0, तो आपके पास चेंज इन एक्स आ जाएगा 0.2। चेंज इन एक्स ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव चेंज है, पॉजिटिव है तो जो भी इफेक्ट है वो इंक्रीज हुई है, एक्स की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। एक दूसरी एग्जांपल देख रहे हैं, x1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू 2.7 है, क्लियर है यहाँ तक। तो x2 में से x1 माइनस कर रहा हूं, तो 2.7 में से माइनस करूंगा 3.0, तो माइनस का 0.3 बचेगा। अब चेंज इन एक्स लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये सेंटर पॉइंट जो होता है ये होता है 0, ठीक है, और ये वाली साइड नेगेटिव होती है, ये वाली साइड पॉजिटिव होती है, एक्स में, एक्स की बात कर रहा हूँ, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इस लाइन की, तो ये होता है 0, 0 से लेस देन यानी होगा इसका मतलब है नेगेटिव, 0 से ग्रेटर देन होगा इसका मतलब है पॉजिटिव, तो यहाँ 0 से लेस देन है, नेगेटिव है, तो एक्स क्या हुआ, एक्स में कमी वाक्या हुई है, पहले 3 था अब कम होके 2.7 हो गया, तो एक्स हैज डिक्रीज्ड, ठीक है यहाँ तक। इसी फर्दर एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स कंटिन्यू चल रही हैं उसी तरह से। अब हमारे पास x1 3 है और x2 भी 3 है, तो चेंज x2 में से x1 3 - 3 0, तो कोई चेंज नहीं आया, तो x कांस्टेंट है, चेंज नहीं आया तो x कांस्टेंट है, पहले जो वैल्यू थी अभी भी वही वैल्यू है, तो कांस्टेंट चल रही है वैल्यू, ठीक है, देयर इज नो चेंज, क्लियर है। इसके बाद हम देख लेते हैं चेंज इन अ फंक्शन विद एन एग्जाम्पल, एक्स चेंजेस फ्रॉम x1 to x2, तो वाई चेंजेस फ्रॉम y1 to y2। अब डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर चेंज आ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा तो उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज आएगा, तो अब वो कह रहा है, ये सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन कि वाई बराबर है x2 + 2x के, वाई के अंदर तब्दीली चेंज इन वाई मालूम करो, जबकि एक्स चेंज हो रहा है 2 से 2.1 तक, तो पहले आप वाई की वैल्यू निकालेंगे एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो पहले इस फंक्शन में एक्स की जगह 2 पुट कर लें, 2 का स्क्वायर 4, और
टू का दानियाल फारूक, ठीक है। तो टू हाँ जब पुट करेंगे तो टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, और टू टू ज़ा फोर, फोर प्लस फोर एट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स की पहली वैल्यू पे हमने निकाला है, तो इसको एक्स वन कह रहा हूँ, तो इसके यहाँ पर आउटपुट जो आ रहा है उसे वाई वन कह रहा हूँ। फिर एक्स की दूसरी वैल्यू एक्स टू यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो 2.1, 2.1 का स्क्वायर जो भी आंसर आया प्लस 2 इंटू 2.1, तो अब जो आंसर होगा उसको मैं y2 में रिकॉर्ड करूंगा, यानी कि y के अंदर की दूसरी वैल्यू, ठीक है। तो पहली वैल्यू जो है वो x की है, जी कितनी दे रही ठीक है। तो हमारे पास जो है वो 8 points यहाँ हमारे पास वैल्यू आ रही है, इसका आंसर जब यहाँ पुट करें तो दूसरी वैल्यू आ रही है 8.61। अब हमें चेंज निकालना था, चेंज इन वाई, तो चेंज इन वाई बराबर होता है वाई टू माइनस वाई वन। वाई टू की सेकेंड वैल्यू आई जब x2 की वैल्यू पुट की थी 8.61, और x1 पे जो आंसर आया था वो y1 था, वो क्या वैल्यू थी 8। तो जब मैं 8.61 में से 8 को माइनस करूंगा तो मुझे चेंज कितने का आया, 0.6 का, ठीक है। इसी तरह से मैं आगे चलता हूं, और एनोटेशन को क्लियर कर दूं थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद चेंज एक और एग्जांपल आ गई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। फिर से कह रहे हैं चेंज इन y बताएं, जब f, अच्छा क्वेश्चन किस किस एंगल से दे सकता है जरा ये सुन ले। एक दफा तो उसने दिया चेंज इन y निकालने को, क्वेश्चन दिया और उसने कहा कि चेंज इन y निकालें, पहले उसने कहा x1 और x2 की वैल्यू दे दी, तो हमने एक दफा x1 की वैल्यू डेटा में पुट करनी है, आउटपुट आएगा वो y1 होगा, फिर दूसरे x2 की वैल्यू पुट करनी है तो उस पे जो आउटपुट आया वो y2 होगा, फिर y2 में से y1 माइनस कर देंगे, तो इस तरह से चेंज आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका ये किस तरह से है, दूसरा तरीके में ये पूछ रहा है कि चेंज तो निकाले, x की वैल्यूज किस तरह से दे रहा है, x की वैल्यूज को वो जो है डिस्कस कर रहा है कि इंक्रीज बाय 0.3, इफ x इंक्रीज बाय 0.3 फ्रॉम 2.1। तो अगर आप यहां नोट करें तो इसने x2 नहीं दिया, x1 दिया है और चेंज दिया है, चेंज इन x। तो अगर आपको याद है कि हमारे पास चेंज इन x का जो फॉर्मूला था वो क्या था, चेंज इन x, अगर आपको याद है, मैं इसको डेल चेंज इन x, जिसको मैं डेल कह रहा था, ये रहा चेंज इन एक्स का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, एक्स टू माइनस एक्स वन। अब इसने हमें एक्स वन दे दिया और चेंज इन एक्स दे दिया, एक्स टू नहीं दिया, ठीक है। एक्स वन पे वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक्स टू पता होगी, एक्स वन पे जो वैल्यू निकालूंगा वो वाई वन होगी, यहाँ पे एक्स वन पुट करूंगा, फिर एक्स टू की वैल्यू पुट करूंगा तो वाई टू की वैल्यू आएगी, लेकिन एक्स टू नहीं है डेटा में, तो चेंज इन एक्स दे दिया उसने इंक्रीज्ड बाय 0.3, तो यहाँ लिखूंगा 0.3 और ये एक्स वन माइनस एक्स वन में क्या लिखूंगा 2.1, ये माइनस का 2.1 है, इस तरफ आएगा तो ये देखिए माइनस का 2.1 है और ये 0.3 इस तरफ लिख दिया, माइनस का 2.1 इस तरफ आएगा तो प्लस का 2.1 हो जाएगा, 2.1 में 3.3 ऐड करूंगा तो ये 2.4 हो जाएगा और x2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x2 की वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू पहले से मौजूद थी, ये रही। अब x1 पे एक दफा वैल्यू निकालूंगा, x1 की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, तो जो आंसर आएगा वो y1 का आएगा, जो कि ये आ गया, आप देखें 8.61।
उसके बाद x2 की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो एक और आउटपुट आएगा, ठीक है ये आ गया, देखें y2 चेंज निकालूंगा तो y2 में से y1 को माइनस कर दूंगा, हमारे पास चेंज आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ऑल राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको फर्दर। एक और एग्जांपल है, आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इन चीजों पे। अब इसमें किस तरह से उसने क्वेश्चन को दिया है, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से दे रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है फिर से वही चेंज इन वाई निकालना है आपने। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिफरेंट कर रहा है, देखो यहाँ कह रहा है इफ एक्स डिक्रीज बाय 0.4 डिक्रीज बाय 0.4 to 5.7। अच्छा डिक्रीज बाय 0.4, 0.4 से डिक्रीज तो हो रहा है, 2 5.7 यानी कि कम हो रहा है 0.4 से, और कम होने के बाद कितना हो गया है 5.7। तो इसका मतलब है ये इसने यहाँ पे जो दी है वैल्यू, ये किसकी है, ये x2 की वैल्यू है। कह रहा है इफ स्टेटमेंट समझिएगा, यहाँ मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट से खेल रहा है ये, ठीक है। इफ x डिक्रीज बाय 0.4, कम होके 0.4 हो गया है, कम हो 0.4 से कम हो गया है, और 2 5.7 और वैल्यू हो गई है कम होने के बाद, 0.4 से कम हो जाने के बाद जो वैल्यू हो गई है वो क्या हो गई है, 5.7। तो ये x2 की वैल्यू दे रहा है और चेंज इन x दे रहा है। अब जरा चेंज इन x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का फॉर्मूला पुट करते हैं, चेंज इन x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 में दे रहा है 5.7 और चेंज में दे रहा है, चेंज है डिक्रीज वाला चेंज है, इंक्रीज वाला चेंज नहीं है। तो डिक्रीज वाले चेंज को नेगेटिव माइनस में लिखते हैं, डिक्रीज माइनस 0.4, तो यहाँ लिखा 5.7 और यहाँ लिखा डिक्रीज नेगेटिव चेंज आया है तो माइनस 0.4 और माइनस x1 अपना वैसे ही फॉर्मूले का जो ऐसा था शुरू में, ठीक है। अब ये माइनस एक्स वन उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये प्लस का एक्स वन हो जाएगा, और ये माइनस का 0.4 इस तरफ लेके आऊंगा तो ये प्लस का 0.4 हो जाएगा। तो इस तरह से एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी, 5.7 में 0.4 ऐड करूं तो 6.1। अब 6.1 एक्स की वैल्यू है, एक्स वन की वैल्यू है 5.7, डिक्रीज होके एक्स टू की वैल्यू आ गई। एक दफा एक्स वन की वैल्यू को पुट करूंगा इसके अंदर तो जो आंसर आएगा वो वाई वन होगा। ये देखें, ये रहा, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। दूसरी दफा x2 की वैल्यू पुट करूंगा, ये रही x2 की वैल्यू, तो जो आंसर आएगा वो y2 होगा। अब y2 में से y1 को माइनस कर दूंगा, 43.89 में से 49.41 को माइनस कर दूंगा, तो y में भी 5.52 से डिक्रीज आया है। x में डिक्रीज होने की वजह से y भी डिक्रीज हुआ, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक चीज कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, ठीक है। और केसेस देख लेते हैं फर्दर, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन अ फंक्शन, एक्सप्रेशन फॉर, ठीक है, चेंज वाई, वही दोबारा से एग्जांपल दे दी, वाई की वैल्यू बताएं, जबकि अब क्वेश्चन चेंज कर दिया, वाई की वैल्यू बताएं, y बराबर है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के, चेंज इन y, y2 माइनस y1 बताएं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y में तब्दीली आ रही है तो इसका, अगर ये एक्सप्रेशन है यानी कि एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन अ फंक्शन, एक्सप्रेशन फॉर डेल y, यहाँ उसने उसका एक्सप्रेशन को जो है वो डिराइव किया है, डिराइव, ठीक है। तो ड्राइव करके इसने सवाल बताया है कि उसकी डेरिवेटिव यानी कि इक्वेशन ड्राइव करने के लिए, ठीक है। अब उसमें ड्राइव कैसे करते हैं, इसमें पहला स्टेप यह करते हैं कि अगर एक्स में चेंज लाएंगे, एक्स में चेंज को क्या कहते हैं, डेल एक्स, और वाई में चेंज को क्या कहते हैं, डेल वाई,
तो फर्स्ट स्टेप में जब मैं इसके अंदर चेंज देख रहा हूं तो इसके अंदर चेंज है डेल एक्स, उसकी वजह से इसमें भी चेंज आएगा, इसके चेंज को क्या कहूंगा डेल वाई। तो एक्स में चेंज इन एक्स ऐड कर लो, ये डेरिवेशंस करा रहा है इक्वेशन, उसकी डेरिवेशंस। एक्स में चेंज इन एक्स को ऐड कर लें, चाहे वो पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है, ठीक है। तो उसकी वजह से जब एक्स के जो चेंज यहाँ करेंगे, यहाँ डेल एक्स ऐड करेंगे तो इस एक्स के साथ भी डेल एक्स ऐड करेंगे, ठीक है। और जब इस पूरे राइट साइड पे चेंज आएगा तो वाई में भी चेंज आएगा। एक्स में चेंज को डेल एक्स कहते हैं, वाई में चेंज को डेल वाई कहते हैं। तो जो भी चेंज आएगा, ठीक है, ओरिजिनल चेंज में डेल वाई को ऐड कर देंगे, चेंज इन वाई को ऐड कर देंगे तो नई वैल्यू आ जाएगी, यानी कि चेंज इन वाई आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये y प्लस डेल वाई लेफ्ट हैंड साइड पे तो ऐसे ही रहा, राइट हैंड साइड पे x में जब डेल x x के अंदर चेंज देखा था, यानी चेंज ऐड किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। जब मैं इसको खोलूंगा तो a स्क्वायर प्लस 2 x a और डेल x b, 2ab प्लस b स्क्वायर डेल x का होल स्क्वायर, जो भी चेंज एक्स आ रहा होगा उसका स्क्वायर ले लेंगे हम। फिर माइनस थ्री इंटू एक्स, माइनस थ्री एक्स, माइनस प्लस माइनस थ्री डेल एक्स और प्लस वाई। सिंप्लीफाई कर रहा हूं, कुछ भी नहीं है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, मुझे चेंज इन वाई चाहिए, डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन वाई। क्या चाहिए था मुझे, सिर्फ चेंज इन वाई, ठीक है। तो y होता क्या है, y चेंज इन y होता है y2 माइनस y1, ठीक है। या मैं इसके अंदर फर्दर लिखूं तो y2 क्या है, अगर मेरा y में चेंज इन y ऐड कर दूं, ठीक है, y में, y मेरा अगर y1 जो है वो मेरा y है, y1 अगर मेरा y है, उसमें ऐड कर दूं, ठीक है, y2 क्या होगा मेरा, y प्लस डेल y, y प्लस डेल y,